नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त हम हिजाब की बात करेंगे। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में मामला बढ़ता ही जा रहा है। ताजा विवाद राजस्थान के कोटा का है, जहां PFI के लोगों ने यूनिटी मार्च निकाला। मार्च में कई मुस्लिम संगठनों के लोग शामिल हुए। तो कर्नाटक से लेकर ये विवाद कहां कहां और किन किन राज्यों में पहुंचा है, ये आपको हम पहले भी बताते रहे। एक बार फिर बताते हैं कि जयपुर में, पश्चिम बंगाल में, इसके अलावा यूपी के कुछ हिस्सों में, सब जगह ये विवाद करने की कोशिश की जा रही है। जबकि मामला लंबित है अभी भी कर्नाटक हाई कोर्ट में और अभी भी सुनवाई होनी है, फैसला आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तब तक दखल नहीं देंगे जब तक कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। और इसके बावजूद कैसे लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, ये आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए हमने बताया है। तो राजस्थान के कोटा में हिजाब मामले में PFI के मार्च पर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया इस घटना को लेकर। कांग्रेस पार्टी ऐसे टुकड़े टुकड़े करने वाली और ऐसी एक्सट्रीमिस्ट संगठन को फिर से एक बार समर्थन दे रही है और कांग्रेस पार्टी का हाथ PFI के साथ, इसके प्रमाण सामने आ चुके हैं। क्योंकि राजस्थान में, राजस्थान की कांग्रेस सरकार PFI को मार्च निकालने के लिए परमिशन भी दे रही है और इसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करेंगे। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे हमेशा टुकड़े टुकड़े चाहने वाले लोगों के लिए खुले होते हैं। वहीं कर्नाटक के अलग अलग स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनकर छात्राओं के आने का सिलसिला जारी है। कल भी स्कूल पहुंची छात्राओं और स्कूल प्रशासन के बीच तकरार हुई थी। हालांकि आज कई छात्राएं बिना हिजाब के भी स्कूल पहुंच रही हैं, लेकिन हिजाब पहनकर भी छात्राओं के आने का सिलसिला जारी है। कर्नाटक के उडुपी और शिवमोगा में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दोनों तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि जहां पे ये सबसे ज्यादा विवाद और जिसके वजह से अभी विवाद का मसला इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है, वहां भी छात्राएं अभी हिजाब में है। जबकि मामला कहां पहुंचा है, कोर्ट पहुंचा है। और कर्नाटक हाई कोर्ट पे इस लिहाज से सबकी निगाहें हैं कि वहां से फैसला क्या आता है, उसके बाद आगे की राहें हिजाब को लेकर तय की जाएगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जो याचिका है उस पर अब सुनवाई होगी या कुछ और होगा। और बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने हिजाब मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है, पहले सुनिए उनको। कोई बंधन नहीं है, हिंदू इतना श्रेष्ठ, इतना उच्च विचारधारा का, इतना संस्कारित होता है कि हमें कहीं भी हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना? हाँ, हिजाब उनको पहनना है जिनको अपने घर में ही परेशानी है, उनके घर में ही वो संकट में है, उनके घर में ही वो खतरे में है, उनके घर में ही उनके शील और मर्यादा खतरे में है, इसलिए उनको घर में भी हिजाब पहनना चाहिए। और बाहर तो हिंदू समाज जहाँ निकलता है तो वहाँ पहुँच पहनने की आवश्यकता नहीं है, और जहाँ ज्ञान प्राप्त होता है, जहाँ हम अध्ययन करते हैं, वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं। और इस वक्त राजस्थान के कोटा से जो बड़ी खबर हमने आपको अपडेट की थी, इसके लिए हम सीधे अपने सहयोगी भवानी का रुख करते हैं। भवानी, अभी तक हमने कोटा शहर को जब भी जाना बच्चों की पढ़ाई के लिए, लेकिन अभी अब कोटा को लेकर यहां पे इस तरीके की खबर मिल रही है कि यहां भी हिजाब की लड़ाई पहुंच चुकी है। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आज कोटा के अंदर यूनिटी मार्च निकालने जा रहा है और इस यूनिटी मार्च को नाम उन्होंने ये दिया है कि अब गणतंत्र बचाओ के रूप के अंदर दिया, और उसमें जो शामिल हो रहे हैं इसमें, ये अभी कुछ तो बाद में 11 बजे का समय दिया, कुछ देर बाद में शुरू होने वाला है, उसमें सभी को बुलाया गया और खास तौर पर सभी मुस्लिम संगठनों के लोगों को आमंत्रित किया। उसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। कांग्रेस के तीन बड़े नेताओं के नाम जिन मेहमानों की लिस्ट में इन्होंने शामिल किया, उसमें एक राज्यसभा के पूर्व मेंबर है उबेदुल्ला खान आजमी है। वैसे भी कांग्रेस पार्टी का हिजाब को लेकर क्या स्टैंड है ये सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल सरीखे लीडर्स पहुंच चुके हैं वकील के तौर पर। इस वक्त रामलाल शर्मा बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, इस वक्त हमारे सहयोगी के जरिए खबर मिल रही है कोटा से, जहां कोटा में अभी तक स्टूडेंट पढ़ाई के लिए जाते थे, लेकिन अब वहां पे PFI ने एक वहां पे आंदोलन चलाने की बात कही है और यह कहा जा रहा है कि हम जमहूरियत बचा रहे हैं। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश के अंदर कानून का राज है और हर संस्थाएं जो भी है उन संस्थाओं का एक ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड के आधार के ऊपर ही आप का पढ़ाई कर सकते हो, आप उसकी पालना कर सकते हो, लेकिन किस तरीके से देश के अंदर
इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस पार्टी लग रही है अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अब जब मामला कोई न्यायालय में विचाराधीन है तो न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा इन लोगों को करनी चाहिए। कल भी जयपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने जिस तरीके के वक्तव्य दिया है तो उनको कम से कम ये है कि इस देश के अंदर कानून का राज है, कानून के आधार के ऊपर लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आप पुलिस वाला एक चालान काट दे तो आप उसको सहन नहीं कर सकते। आप कोई रामलाल जी कांग्रेस पार्टी के लीडर स्वर्णिम चतुर्वेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं सीधा सवाल लेती हूँ। स्वर्णिम जी, इस वक्त ये जो PFI का आंदोलन है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? लोकतंत्र तो है इस देश में, तभी आंदोलन है, तभी हिजाब की लड़ाई है। लोकतंत्र नहीं होता तो हम कहां कोर्ट तक पहुंच पाते? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है जब भारतीय जनता पार्टी के 150-200-500 लड़के इकट्ठे होकर के किसी एक लड़की के पीछे पड़ जाते हैं कि हिजाब उतारो, और ये लेकिन ये गलत है, कानून के विरुद्ध है। आप बताइए कि अगर किसी संस्था और किसी छात्र के बीच का मामला है तो ये तो संस्था जाने या छात्र जाने। किसी भी व्यक्ति को आप दबाव में ला करके उस पर हमलावर होकर के अगर कोई पार्टी, कम से कम आप तो कोर्ट को मानते हैं ना? बिल्कुल, कोर्ट जो फैसला करेगा वही होगा। तो अगर कर्नाटक हाई कोर्ट में ये मामला है तो हम सब इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? ये अलग अलग आंदोलनों को हम सपोर्ट करना कब से शुरू कर दिए? जब सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है, दखल देने से इनकार कर रहा है कि जब तक कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता इस तरीके से कदम नहीं उठानी चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां PFI आंदोलन करने जा रही है। देखिए, PFI आंदोलन कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है। आप कांग्रेस को कटघरे में खड़ा ना करें, कटघरे में आप आपकी सरकार है। सवाल मैं बीजेपी से नहीं पूछ सकती हूँ राजस्थान को लेकर, 500 लड़के राजस्थान को लेकर बीजेपी से मैं सवाल नहीं पूछ सकती हूँ, मैं आपसे पूछूंगी। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी के ABVP के संगठन जो है उसके लड़के कहीं जाते हैं और ये हमलावर होकर के ये कहते हैं कि आप ये पहनिए वो मत पहनिए, ये गलत है। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करती। हमारी सरकार का एकमात्र ध्येय है जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उनका संरक्षण हो और कानून की पालना हो, बस शांति अमन बहाल रहे। रामलाल जी, आप पे आरोप लग रहा है, क्या नहीं पहनता इस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ना हम इस पे हमलावर होते हैं ना इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। रामलाल जी, आप हैं इस वक्त, अगर इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है तो फिर आपके नेता क्यों जा रहे हैं उस कार्यक्रम के अंदर? इसका मतलब आपका समर्थन है उनके अंदर, बैनर अलग है, नेता वही है आपके। उसके उनकी राजनीति के आधार के ऊपर देश थोड़ी चलेगा, कानून के आधार के ऊपर चलेगा। एक संस्था के अंदर कोई ड्रेस कोड लागू है तो उसकी पालना सभी को करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। धर्म की आस्था अपने घर तक सीमित रखो ना, उसको सार्वजनिक क्यों करते हो? रामलाल जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ड्रेस कोड अगर लागू होना है किसी संस्था में तो वो संस्था का मैनेजमेंट करेगा। आप जाकर के या आपके छात्र संगठन के लोग जाकर के गर्ल्स कॉलेज में जाकर के 150 लड़के हल्ला मचा करके ड्रेस कोड लागू नहीं करवाएंगे या किसी को बताएंगे नहीं कि उसको क्या पहनना है। ये चीज आप कानून को करने दे, संस्था को करने दे। देखिए, बात यह है कि भगवा रंग पहने या कुछ भी पहने लड़के, लेकिन अगर गर्ल्स कॉलेज में जाकर के एक लड़की को घेर करके उसके खिलाफ हमलावर होते हैं, उसकी कहना चाहिए कि अस्मिता किसने कहा गर्ल्स कॉलेज है वो, ये कहां से बात आ गई गर्ल्स कॉलेज है? आगे बढ़ेगी, ये गलत है। ये कहां से बात आ गई गर्ल्स कॉलेज है? कुछ भी कह रहे हैं आप घटना को कहीं और ही लेके जा रहे हैं। देखिए, मैं तो आपको दूसरी चीज कह रहा हूँ कि राजस्थान में बहुत ही आसान लहजे में इस पहलू को समझना है कि स्कूल जो तय करेगा उसे मानना है, और अगर नहीं मानना है तो हाईकोर्ट ने दखल दिया है, हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, आज भी सुनवाई होनी है, जो हाईकोर्ट तय करेगा उसे हम सब मान लेंगे, उसपे उसको तो मानेंगे ना, हाईकोर्ट के फैसले को तो मानेंगे। देखिए, कोर्ट के फैसले को सभी को मानना पड़ेगा। मैं आपसे दूसरी चीज कह रहा हूँ, हम कभी ये नहीं कह रहे कि कौन क्या पहने या ना पहने, इस पर कांग्रेस पार्टी नहीं जाती है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति पर दबाव डालना, गैर जो कहना चाहिए जिनका क्षेत्राधिकार नहीं है उससे बाहर जाकर के अगर कोई राजनीतिक दल दबाव डालता है, ये गलत है। अगर पहनने के लिए भी कहे तो भी गलत है, ना पहनने के लिए कहे तो भी गलत है। आप बताइए कि जो व्यक्ति है उसकी चॉइस है वो क्या पहन रहा है, संस्था की अपनी एक ड्रेस कोड है तो वो उनके बीच का अब ये बात चॉइस से बहुत आगे निकल चुकी है। मैं बार बार आपकी सहूलियत के लिए दोहरा रही हूँ कि मामला कोर्ट में है और हम सभी को, आपको भी मुझे भी, इस देश के हर एक नागरिक को कोर्ट की बातें माननी होगी और कोर्ट के फैसले का इंतजार हम सबको करना है। लेकिन आपके प्रदेश में राजस्थान के कोटा में जहां बच्चे अभी तक पढ़ाई करते थे वहां पे अब PFI मूवमेंट है, तो आप देखिए क्या करना है आपको। स्वर्णिम जी,
देखिए हमारी सरकार जो है तो उसका पहला काम यह है कि यहाँ पे धार्मिक सौहार्द बना रहे, हमारे यहाँ पे कोई भी अमन चैन बना रहे, प्लस जो लोगों के कानूनी अधिकार है उनका संरक्षण करना जो सरकार का कर्तव्य है। संविधान से जो उनको अधिकार मिला उसका हम संरक्षण करेंगे और पुलिस अपना काम करेगी। इसमें हम थोड़ा किसी को कह रहे हैं क्या पहनो या ना पहनो। हकीकत के अंदर कांग्रेस के नेताओं का किस तरीके का चरित्र है वो हम सबके सामने, इन सारे नेताओं, भाई रामलाल जी आपके नेताओं का चरित्र सबने देखा, जो कहते हैं ना भगवान राम समुद्र में पड़े होते आपके नेता अगर हम नहीं होते तो, ये चरित्र आप लोगों का, ये इस तरह की बात आप करते हैं। लड़कियों पर हमलावर होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं कि हिजाब पहनो या मत पहनो, हम नहीं करते। हमारा आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी कदम पहले नहीं उठाए गए और मुर्शिदाबाद की घटना सामने आई जहां पे स्कूल में बम फोड़े गए। अब राजस्थान में क्या होता है इस बात का इंतजार, लेकिन हम सबको उम्मीद है कि वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है और कांग्रेस स्टैंड लेगी वक्त रहते। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रर ने आरोप लगाया है कि हिजाब मामले को बेवजह सियासी रंग दिया जा रहा है। अदालत फैसला करेगी, इंसाफ करेगी और हमारे जो धार्मिक हमारे अधिकार हैं, हमारा जो भारत का जो कल्चर है, अगर उस पर कोर्ट ध्यान देगी या हमारे माननीय प्रधानमंत्री ध्यान देंगे, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, अगर इस पे ध्यान देंगे तो ये कोई समस्या नहीं है। बस ये है कि जो भगवा गमछा है जो 4 दिन का है, 1 महीने का है, उसको 1450 साल की परम्परा से जोड़ना ये बहुत बड़ा अन्याय है, ये जस्टिस के खिलाफ है।